हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फोर क्लास 8। सब्जेक्ट है बेटा मैथमेटिक्स, और ये वर्कशीट आपके लिए 12 नवंबर 2020 के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से फॉरवर्ड की गई है। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वर्कशीट में बेटा हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट के बारे में। तो आज हम स्क्वेयर के बारे में जानेंगे, स्क्वेयर क्या होता है। दिस इज़ द फिगर ऑफ ए टॉय। तो ये बच्चे जो फिगर दिखाई गई है आप इसको देखिए, ये क्या है, इट्स अ फिगर ऑफ ए टॉय। देयर आर फाइव ब्लॉक्स इन इट। इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, इसमें टोटल फाइव ब्लॉक्स हैं। वन ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर द अदर, और एक ब्लॉक के ऊपर जो है वो दूसरा ब्लॉक ऐसे रखा गया है। ईच ब्लॉक इज डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट। और बच्चे आप ध्यान से देखिए, हर एक ब्लॉक जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी हर एक जो पार्ट है ब्लॉक का वो इक्वल है। ठीक है, नाउ आई सॉ ए पैटर्न इन द ब्लॉक एंड रोट। तो मैंने यहाँ पर एक जो पैटर्न देखा इनमें और वो मैंने लिख दिया। नाउ यू कैन कंप्लीट द पैटर्न। अब आगे भी आप इसको पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे बेटा इसमें क्या पैटर्न है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। वी ऑब्टेन्ड स्पेशल नंबर्स दैट इज 1, 4, 9, 16, 25। तो हमें कुछ नंबर्स मिले जो हम करेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दीज फिगर्स सेपरेटली। दीज आर द स्पेशल फिगर्स। तो ये स्पेशल फिगर्स क्या हैं, ये स्पेशल फिगर्स हैं स्क्वेयर्स। एंड लेट्स फाइंड एरिया। दीज स्पेशल नंबर्स आर 1, 4, 9, 16 एंड 25 आर ऑब्टेन्ड From area of a square and these are the perfect square। तो ये हमें जो numbers मिले ये square का area निकालने से मिले और ये क्या है, perfect square है। तो अब बेटा हम इसको समझते हैं। देखिए पहले तो हम ये आकृति समझते हैं, इसमें figure में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, एक block given है। तो इसमें एक ही जो है यहाँ पर हमारे पास row है, एक ही column है। तो हमने क्या किया, एक गुणा एक, ठीक है, 1 × 1 कितना आ गया, 1 आ गया। अगला ब्लॉक अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें देखिए एक पूरे ब्लॉक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 2 पार्ट इस तरफ से रो हैं और 2 जो है ऐसे हैं। तो यानी अगर हम 2 को 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास टोटल जो पार्ट हैं वो हमें पता चल जाएंगे, यानी टोटल पार्ट कितने हैं, 4 हैं। इसी तरह 3 ये इस तरफ है, ठीक है, और 3 ही हमारे इस तरफ हैं। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चला कि टोटल जो ब्लॉक को बांटा गया है उसके कितने पार्ट्स हैं, टोटल 9 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए ये 4 और ये भी 4। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितने ब्लॉक मिले हमें, यहाँ पे कितने जो है पार्ट्स मिले, ये टोटल हमें बिना गिने ही पता चल गया कि ये टोटल 16 है। इसी तरह यहाँ पर हमें ये एक रो 5 की है, इसी तरह दूसरी रो 5 की है। तो यहाँ पर हमें टोटल जो पार्ट्स हैं उनका पता चल गया कि ये टोटल कितने हैं, 25 हैं, 25 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं, इस 1 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो इसका क्या मतलब है कि ये जो 1 है ये 2 टाइम है। ठीक है, इस 1 के ऊपर मैंने यहाँ पर ये स्क्वेयर लगा दिया, इसका मतलब हुआ कि ये 1 जो है वो 2 टाइम है। ओके, तो ये कितना आएगा, 1। इसी तरह 2 यहाँ पर 2 × 2 का हम कैसे दिखा सकते हैं, यानी 2 का स्क्वेयर। 2 का स्क्वेयर लिखने से ही हमें समझ आएगा कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और फिर जो है क्या निकाली गई है, एक संख्या जो है एक यहाँ पर निकाली गई है। अब अगर हमें बच्चों ये जो हमारे को स्क्वेयर दिया गया है इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये एक स्क्वेयर है। तो यहाँ पर बेटा एक तो स्क्वेयर ये है कि हमें, हम अगर किसी भी डिजिट है उसको हम सेम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें उसका स्क्वेयर मिलता है, लाइक 2 का स्क्वेयर। ओके, तो 2 स्क्वेयर यानी 4, इसी तरह 3 स्क्वेयर यानी 9, 4 स्क्वेयर यानी 4 × 4 यानी 16, ठीक है, 16। तो बेटा अब अगर हमारे पास ये एक स्क्वेयर है, ये जो शेप है दैट्स अ स्क्वेयर, इसके अंदर जो ये चारों की चारों हमारे पास ये हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये आर्म जो हैं इनकी जो लेंथ होती है वो क्या है, वो सेम है। ओके,
और इनमें जो एंगल होते हैं, ये जो चार एंगल हैं, ये एंगल भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ओके, ये सारे 90 डिग्री के एंगल हैं। और अगर हमें इसका एरिया निकालना होता है तो एरिया के लिए इसका फॉर्मूला होता है, मान लीजिए ये ए है, ये भी ए है, तो फॉर्मूला है ए मल्टीप्लाइड बाय ए, यानी हम कह सकते हैं ए का स्क्वेयर। ओके, ए स्क्वेयर। तो बेटा यहाँ इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये जो इसकी एक आर्म है, इसकी जो लेंथ है वो है हमारी 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 और ये भी 1, तो एरिया कैसे निकालेंगे, 1 स्क्वेयर, यानी ए गुना ए हम कह सकते हैं। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब बेटा यहाँ पे स्क्वेयर हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम जो है 2 आर्म की बात कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय ए, ए जो है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 2 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, तो इसलिए हमने स्क्वेयर यहाँ पर यूज किया। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो यह इसकी जो आर्म की लेंथ है वो कितनी है, 2, इसकी 2 है, तो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसी तरह बेटा हमने यहाँ पर लिया तो ये तीन तीन जो है यहाँ पर पार्ट्स हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 हो गया, तो एरिया कितना निकला, 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसी तरह ये हो गया, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो एरिया हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसी तरह बेटा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, और हम उसको जो है फिर किस तरह से स्क्वेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हम किसी भी डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए परफेक्ट स्क्वेयर, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वेयर में 1 है, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, 1 into 1, यानी एक आर्म ये, एक आर्म ये, तो ये जो है चारों कैसी होंगी, 1 1, इस तरह से। दूसरा देखिए, परफेक्ट स्क्वेयर क्या बना, 4, यानी 4 का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो लेंथ होगी वो 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी, तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म हम 1 की क्या लिख सकते हैं, 1 into 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है कि जो भी एक्सपेंडेड फॉर्म है उसमें एक डिजिट कितनी बार है, तो देखिए 1 into 1 ये 2 टाइम है, तो हमने क्या लिखा, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लिख देंगे इसका स्क्वेयर, 2 टाइम है ना बेटा, तो ये हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह फिर हम एरिया निकालेंगे, तो वही यहाँ पर आर्म इंटू आर्म, यानी 1 स्क्वेयर यूनिट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगर हम परफेक्ट स्क्वेयर है हमारे पास 4, तो इसके एक्सपेंडेड फॉर्म हम क्या लिखेंगे, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2, और इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, 2 जो है 2 टाइम है, तो ऊपर 2 लगा देंगे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 स्क्वेयर यूनिट। इसी तरह परफेक्ट स्क्वेयर है 9, तो 3 into 3, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी 3 स्क्वेयर, एंड एरिया हो जाएगा 9 स्क्वेयर यूनिट। इसी तरह बेटा 16 है, 16 का जो है क्या होगा, 4 into 4 और 4 का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 16 स्क्वेयर यूनिट। इसी तरह 25, 5 into 5, दैट इज 25, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 5 स्क्वेयर, और एरिया हो जाएगा 25 स्क्वेयर यूनिट। बेटा काफ़ी इजी है ये। अब देखिए यहाँ से हमें जो है ऊपर हमने अभी जो किया उससे हमें ये सारे नंबर्स मिले, 1, 4, 9, 16, 25। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दीज फिगर्स सेपरेटली, दोज आर स्पेशल फिगर्स एंड लेट्स फाइंड एरिया। सो दीज स्पेशल नंबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एरिया ऑफ स्क्वेयर एंड दीज आर परफेक्ट स्क्वेयर। तो बेटा ये क्या है, ये सारे परफेक्ट स्क्वेयर हैं। ओके, परफेक्ट स्क्वेयर मैंने आपको समझा दिया ना, कि जिनकी जो आर्म्स हैं वो सारी इक्वल होनी चाहिए, ये एक है तो सारी एक होंगी, ये दो है तो सारी दो, सारी तीन है तो सारी तीन होंगी, तो वो क्या बनेगा, वो परफेक्ट स्क्वेयर बनेगा। अब मान लीजिए ये आर्म हमारी 3 है और ये 2 है, अब बेटा ये स्क्वेयर नहीं है, 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो स्क्वेयर आता, 2 को 2 से करेंगे तो स्क्वेयर आएगा, लेकिन अब 3 को 2 से करेंगे तो स्क्वेयर नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर लेट्स राइट परफेक्ट स्क्वेयर फ्रॉम 1 to 100 इन अ टेबल। अब हमें यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वेयर हैं 1 to 100,
जो है वो लिखने हैं। तो देखिए वन है तो वन इंटू वन कितना आ गया वन, तो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर हमारा वन है। दूसरा टू इंटू टू फोर, थ्री इंटू थ्री नाइन, फोर इंटू फोर सिक्सटीन, फाइव इंटू फाइव 25। उसके बाद देखिए बेटा सिक्स इंटू सिक्स कितना आएगा 36, सेवन इंटू सेवन 49, एट इंटू एट 64, नाइन इंटू नाइन 81, ठीक है 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। तो ये जो है हमारे क्या है, दीज आर आवर परफेक्ट स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद देखिए लेट्स फाइंड द परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स बिटवीन द वैल्यूज गिवन बिलो। तो 40 एंड 50 के बीच का जो परफेक्ट स्क्वेयर है बेटा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 6 लेते हैं तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 36। ये तो लेकिन 40 और 50 के बीच में नहीं आता। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 देखते हैं, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 49। ये जो है परफेक्ट स्क्वेयर है 40 एंड 50 के बीच का, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वेयर तो वो क्या आएगा 49। इसी तरह देखिए बेटा 60 और 70 के बीच में क्या आएगा 8 आएगा, 8 का स्क्वेयर कितना हो गया 64। तो ये दोनों जो है आप आंसर में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको बताया गया है वी ऑब्जर्व फ्रॉम अवो पैटर्न परफेक्ट स्क्वेयर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग टू सेम नंबर्स। तो जब हम टू सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वेयर मिलता है। ये मैं पहले भी आपको बेटा कई बार बता चुकी। अब देखिए जैसे 2 एंड 2 4 है तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वेयर है क्योंकि दोनों नंबर सेम हैं। लेकिन अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, लेकिन ये अब परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है क्योंकि इसमें दोनों नंबर सेम नहीं हैं। तो इस तरह से बेटा हम परफेक्ट स्क्वेयर निकाल सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।